गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकेंड। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। बच्चों, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, आज हम इसे अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चैप्टर का नेम था अकबर और बीरबल। क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए एक जंगल में गए थे, लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, वो एक झरने के पास रुक गए और वहाँ पर उन्होंने हाथ पैर धोए अपने और घोड़े को भी पानी पिलाया और फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो लेट गए। जैसे जैसे शाम होने लगी तो वो घर लौटने की तैयारी करने लगे। फिर क्या किया, फिर जब अकबर को भूख लगने लगी तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने अपने घोड़े की जीन में से उसे चने की पोटली दी और चने खाकर अकबर ने अपनी भूख मिटाई और फिर वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब पर पैर रखा, घोड़े ने अपने अगले पैर ऊपर उठा लिए और हिनहिनाने लगा। यानी जब दोनों घोड़े पर बैठ गए और बीरबल ने अपने घोड़े पर पैर रखा, है ना, उसकी रकाब पर पैर रखा कि उसे चलाने के लिए, उसे दौड़ाने के लिए, तो घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने अपने दोनों पैर आगे वाले ऊपर उठा लिए और वो हिनहिनाने लगा। बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण के ऐसा करते देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। यानी कोई वजह नहीं थी ऐसी, कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन फिर भी घोड़ा हिनहिनाने लगा, तो ये देखकर अकबर को क्या हुआ, थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बीरबल से पूछा, इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? तो अकबर ने क्या किया, बीरबल से पूछ लिया कि तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है। बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी, तो बीरबल के दिमाग में क्या आया, क्यों ना मजाक किया जाए। उसने कहा, हुजूर, मेरे घोड़े की खुराक तो आप खा गए। उसने फौरन क्या कहा कि मेरा घोड़ा जो चने थे वो तो आप खा गए, अब मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है, तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर या बादशाह पर? उसने मजाक में क्या कहा कि घोड़ा इसलिए नहीं चल रहा, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम सवारी किस पर करोगे, तुम्हें तो सवारी किस पर करनी चाहिए, बादशाह पर। यह सुनकर अकबर एक बार तो हक्का बक्का रह गया। यानी जब अकबर को समझ नहीं आया तो वो थोड़ा ये बात सुनकर क्या हुआ, हक्का बक्का रह गया, थोड़ा हैरान रह गया। लेकिन जब बात समझ में आई तो वह ज़ोर से हंसा। जब उसकी बात समझ में आ गई कि अकबर मुझसे, सॉरी, बीरबल मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो वह ये बात सुनकर हंसने लगे। फिर बोला, और यानी अकबर फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। क्या कहा उसने, हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, यानी कि बीरबल हाजिर जवाब थे। मैंने बताया था ना कि बीरबल में बहुत बुद्धिमान थे बीरबल और हाजिर जवाबी भी थे उनके अंदर, ये उनकी क्वालिटी थी। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, अब एक्सरसाइज की बारी आती है। तो यहाँ देखिए, एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपका शब्द अर्थ, ये आपको अपनी नोटबुक पर करना है, यानी कॉपी पर नोट करने हैं सारे शब्द अर्थ। इसके बाद आते हैं मौखिक प्रश्न, ये सिर्फ ओरल ही प्रश्न है, ये आपको सिर्फ लर्न करने हैं, ओके, इन्हें नोट नहीं करना है। इसके बाद आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इन्हें करते हैं। फर्स्ट है आपका, अकबर और बीरबल जंगल में कहाँ रुक गए, एक नदी के पास, एक झरने के पास या एक तालाब के पास? तो करेक्ट आंसर है इसका, एक झरने के पास। उन लोगों ने आराम कहाँ किया था, एक पेड़ के नीचे, झोपड़ी में या एक मकान में? यस, एक पेड़ के नीचे। भूख लगने पर अकबर ने क्या किया, जंगली फल खाए, चने या शाही खाना? तो अकबर ने खाए थे चने। इसके बाद आते हैं आपके लिखित प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है आपका, अकबर और बीरबल जब थक गए तो उन्होंने क्या किया, है ना? तो इसका आंसर आपको लिखना है, अकबर और बीरबल जब थक गए तो वे एक झरने के पास रुक गए। आंसर नंबर 2 है आपका, पोटली में क्या था, पोटली में चने थे। सिंपल सा आंसर आपको लिखना है, पोटली में चने थे। प्रश्न नंबर 3, अंत में अकबर ने बीरबल से क्या कहा, तो इसका आंसर आप नोट करेंगे, अंत में अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। तो ये तीनों प्रश्न लिखित है, ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करने हैं, ओके, शब्दार्थ और लिखित प्रश्न, ये कॉपी वर्क है। अदर वर्क जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, अभी सेकेंड एक्सरसाइज आपको दी हुई है यहाँ पर, ये वाली और ये एक्सरसाइज, ये आपको कहाँ करनी है, अपनी बुक में ही करनी है, बुक में ही फिल करना है इसे। किसने कहा, किससे कहा, ये आपको खुद करना है। सारे 4 आपको उसमें से वाक्य दिए हुए, इन वाक्य को पढ़ेंगे, समझेंगे कि किसने किससे कहा था, ठीक है। फिर आती है थर्ड एक्सरसाइज, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये खाली जगह है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आप यहाँ पे फिल कर लेंगे अच्छे से, सारी करेक्ट होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क हो गया है,
ठीक है, होमवर्क में कॉपी वर्क भी दिया है मैंने आपको, बुक वर्क भी दिया है, वो आपको नीट एंड क्लीन अपना कंप्लीट करना है टाइम पर। ओके, थैंक यू।